तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो ITMNC में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हम सबका सपना होता है जब हम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं तो किसी बड़ी ITMNC में काम करने का। तो आज उसी पे हम बात करेंगे, जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसका नाम शायद आपने सबने ही सुना होगा, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, जो कि मिस्टर शिव नादर जी की कंपनी है और ये इंडिया की टॉप MNC में से एक है। तो आज बात करेंगे इनके कोर्स के बारे में जो ये कोर्स करवा रहे हैं। ये दो कोर्स करवा रहे हैं, एक है फ्रेशर इंजीनियर और एक है फ्रेशर ग्रेजुएट। तो इन दोनों कोर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, हैं कैसे ये कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं, सारी डिटेल जानेंगे इजिली इस पूरे वीडियो में। छोटा सा वीडियो है तो पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर, वहां पर देखते हैं कि कौन से कोर्स हैं, कैसे कोर्स हैं। तो हम आ गए अपने लैपटॉप पे। अब यहां पर आप देख सकते हैं इनके ये दो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, पहला है फ्रेशर इंजीनियर, दूसरा है फ्रेशर ग्रेजुएट्स। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेशर इंजीनियर के बारे में डिटेल में। तो ये इनका कोर्स है, यहाँ पे इसे कोर्स या ट्रेनिंग आप कह सकते हैं। ये 6 मंथ की जॉब ट्रेनिंग है जो कि आप HCL से लेंगे और इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने पर आपको ये जॉब एश्योरेंस देते हैं, मतलब ये अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर आपको प्लेस करते हैं। इसमें से ये 3 मंथ की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जो आप वर्चुअली ले सकते हैं, मतलब आप ये अपने घर से वर्चुअली 3 महीने की ये ट्रेनिंग लेंगे। उसके बाद 3 महीने की आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस टीम के साथ आपको ट्रेनिंग मिलेगी, मतलब HCL में जाकर 3 महीने की वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इनके प्रोग्राम ड्यूरेशन पे। तो ये 6 मंथ का है, जैसे कि आप मैंने बताया कि 3 मंथ आपका वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग, 3 मंथ की आपकी प्रैक्टिकल। सैलरी पैकेज प्लेस होने के बाद आपको मिलेगा 2.75 लाख पर एनम का, मतलब 2.75 लाख पर ईयर। प्रोग्राम की फीस आपकी है 1.5 लाख प्लस टैक्सेस, तो ये आपका मान लो 1,60,000 या 65,000-70,000 के करीब होगा। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो अगर आपने बी किया है, बीटेक किया है, एमसीए किया है, एमटेक किया है, एमएससी आईटी कंप्यूटर साइंस में करी है, डिग्री है आपके पास, या आपको और उसी के साथ आपको अगर 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तो आप एलिजिबल हैं। अगर 2 साल का मतलब है तो भी एलिजिबल हैं, 2 साल का नहीं है, 0 है, फ्रेशर है, तो भी आप एलिजिबल हैं। आपने बीएससी आईटी कर रखी है कंप्यूटर साइंस में, बीएससी वोकेशनल स्टडी कर रखी है कंप्यूटर साइंस, आईटी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, आपने बीसीए कर रखी है और आपको सेम 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप फ्रेशर हैं, तो आप लखनऊ में, नागपुर में, विजयवाड़ा में और मदुरई सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप देख लो कि बीएससी आईटी बीसीए वाले हैं तो आप इन सिटीज में अप्लाई अभी कर सकते हैं। ऑन गेटिंग सेलेक्टेड दिस कैंडिडेट विल बी ट्रेन्ड एंड प्लेस्ड इन देयर रेस्पेक्टिव सिटीज ओनली। तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेकर इन सिटीज में प्लेस हो जाएंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मार्क्स, 65% के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में और ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसी के साथ साथ अगर आपने अपना ग्रेजुएशन पास कर रखा है 2019, 20, 21 या 22 में तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 2018 में कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं है। ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ट्रेन फॉर IT इंजीनियर रोल। तो जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे वो IT इंजीनियर रोल के लिए सेलेक्ट होंगे। इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, तो सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, मैं बताऊंगा, HCL की ही वेबसाइट पर जाके आपको करना है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, अपनी डिटेल सबमिट करके भेज देंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उनकी तरफ से आपके पास कॉल आएगी, उस आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए जाएंगे और वो आपको ऑनलाइन सॉल्व करने होंगे। जब वो सक्सेस हो जाएगा, उसमें आप सक्सेस हो जाएंगे, तब आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू होने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए। तो HCL फर्स्ट करियर प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है, मतलब क्या फ़ायदा ही मिलेगा आपको, इतना पैसा अगर आप दे रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपये आप पे करेंगे, तो क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे। देखो सबसे पहला तो यार बेनिफिट ये मान लो कि HCL जैसी बड़ी कंपनी में अगर आपने 2 साल या 3 साल कर लिया ना, भले कम सैलरी पे, उसके बाद आप बहुत अच्छी सैलरी पे, बहुत अच्छी प्रोफाइल पे इजीली मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग और भी ट्रेनिंग्स होंगी, क्लासरूम ट्रेनिंग्स वो आपको मिलेंगी और आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स या ग्लोबल कस्टमर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल बढ़ेगी, आपको प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी होगी, जॉब एश्योरेंस आपको मिल रहा है, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं, मेडिकल हो गया और बाकी जो बेनिफिट्स मिलते हैं एक परमानेंट एम्प्लॉय को, वो सब आपको मिलेंगे। प्रोग्राम ड्यूरेशन बताया था, जैसे 3 मंथ का वर्चुअल, 3 मंथ की ट्रेनिंग HCL टेक्नोलॉजी में। फीस बताई थी 1,50,000 और HCL टेक्नोलॉजी आपको बैंक लोन असिस्टेंट भी प्रोवाइड करवा रही है, जिसे आप इजीली बैंक लोन ले पाएंगे। करियर पाथ पे आ जाते हैं, तो ये कोर्स करने के बाद, ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, जब आप सक्सेसफुल कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में या मेंटेनेंस में या सपोर्ट रोल में आपको प्लेस किया जाएगा। और उसमें ये डोमेन होंगे उनके, बैंकिंग, हेल्थ केयर, फिनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें से ये डोमेन होंगे।
और इन रोल पे आपको प्लेस किया जाएगा। तो अब आप कहोगे कि किस हिसाब से किस रोल पे प्लेस करेंगे, तो ये आपकी स्किल देखेंगे। जब आप ट्रेनिंग लोगे इनसे तो ये आपकी स्किल देखेंगे, उसी हिसाब से जैसे इनकी प्रोजेक्ट की डिमांड होगी, आपकी स्किल होगी, उसी हिसाब से आपको ये टेस्टिंग में डाल देंगे, नहीं तो आपको सपोर्ट रोल में डाल देंगे, नहीं तो आपको डेवलपमेंट रोल में डाल देंगे। वो डिपेंड करेगा उनके ऊपर। यहाँ पर जैसे आपको डेवलपर सपोर्ट रोल, इंफ्रा सपोर्ट, इसमें से कोई रोल आपको दिया जाएगा, सर्विस डेस्क जो भी हो, ठीक है। उसके बाद आप एज ए जूनियर डेवलपर या जूनियर सपोर्ट रोल पे ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अच्छे एक्सपीरियंस देने के बाद आप सीनियर डेवलपर बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट बन सकते हैं या बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। ये सारी आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर HCL का सिलेक्शन का एक पैरामीटर है, मतलब आपका ट्रैक, एजुकेशन का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा, इनके पैरामीटर के हिसाब से आपने BCA या BTech कैसे करी है, किस परसेंटेज के साथ करी है, आपने कब करी है, किस ईयर में करी है, ये सब चीज़ें देख कर, आपकी लोकेशन देख कर, आपकी परफॉर्मेंस देखकर ऑनलाइन टेस्ट में, आपका इंटरव्यू देखकर, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये रहा फ्रेशर इंजीनियर वाला कोर्स, उसी के साथ है एक फ्रेशर ग्रेजुएट्स वाला कोर्स। तो इस कोर्स में भी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, वर्चुअल ट्रेनिंग मिलेगी, उसी के साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलेगी, और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आपको प्लेस किया जाएगा। इसमें आपको प्रोग्राम ऑप्शंस मिलेंगे, सर्विस डेस्क प्रोग्राम मिलेगा, नेटवर्क हेल्प डेस्क प्रोफाइल या एनेबलिंग रोल्स मिलेंगे। सर्विस डेस्क प्रोग्राम आपका नोएडा, चेन्नई, नागपुर, बैंगलोर, लखनऊ में आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, तो आपने अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, आप अंडर ग्रेजुएशन में ह्यूमनिटीज या साइंस ले रखा है, तो भी आप इसमें जा सकते हैं। 60% आपके मार्क्स होने चाहिए 12th और ग्रेजुएशन में, ये बहुत कंपलसरी है, रिक्वायर्ड है। 60% के नीचे होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कोई भी आपकी बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके बाद ऑनलाइन HR होगा, वो स्क्रीनिंग करेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपके नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, आपका इंटरव्यू नहीं लेगा। HR हमेशा इंटरेस्ट लेवल चेक करता है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है। तो HR का स्क्रीनिंग हो जाएगी, उसके बाद V&A मतलब वॉयस एंड एक्सेंट इवेल्युएशन होगी, आपकी आवाज़, क्योंकि ये थोड़े सपोर्ट वाले रोल है तो इस पर आपको बात करनी होगी, तो इसलिए ये एक्सेंट वाले रोल है, आपकी एक्सेंट और आपकी वॉयस देखी जाएगी, उसका इवेल्युएशन किया जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फाइनल ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाएगा। इसमें प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 3 मंथ की, 2 मंथ की वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, 1 मंथ की प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी। प्रोग्राम फीस इसकी उस प्रोग्राम फीस से कम है, इसकी 1 लाख रुपए फीस है टैक्स के साथ, जो कि 1,10,000 या 20,000 होगी। इनेबलिंग रोल में डाला जा सकता है। ये इनेबलिंग रोल क्या होते हैं? ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट सेंटर या फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम एंड बिजनेस सर्विस, इस टाइप के रोल्स में आपको डाला जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये कोर्स लखनऊ में ऑफर किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनी ग्रेजुएट, इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट हो, इसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि कंप्यूटर साइंस या कोई हो, इसमें एनी ग्रेजुएट है। इसमें आपको 50% मार्क्स आपके 12th और ग्रेजुएशन में होने ही चाहिए, कोई बैकलॉग्स नहीं होनी चाहिए। और इसका भी सेम प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑनलाइन HR स्क्रीनिंग, V&A एवोल्यूशन, ऑनलाइन इंटरव्यू। प्रोग्राम ड्यूरेशन है इसकी, इस कोर्स की प्रोग्राम ड्यूरेशन है 3 मंथ इंक्लूडिंग 3 कंपोनेंट। 15 दिन की कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनिंग होगी, 1 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी जो आप वर्चुअली कर सकते हैं, 2 मंथ की प्रोफेशनल प्रैक्टिस टीम के साथ ट्रेनिंग होगी आपकी, ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट सेंटर, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम, इनके साथ। इस प्रोग्राम की फीस आपकी रहेगी 50,000, तो आपको इन रोल में प्लेस किया जाएगा। अच्छा, इन रोल में एक फायदा आपको ये मिल सकता है कि आप अगर ह्यूमन रिसोर्स या फाइनेंस वाले इस रोल में चले जाते हैं, तो आगे चल के आप SAP वाला भी कोर्स कर सकते हैं, जिसे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। तो इनका भी सेम प्रोसीजर है, इनके पैरामीटर्स हैं, उसी हिसाब से आपको प्लेस किया जाएगा या आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये HCL का कोर्स था, और ये काफी अच्छे कोर्स है ये दोनों। इसी के साथ HCL का टेक बी कोर्स भी है, जो मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया हुआ है, मेरे चैनल पर वीडियो है टेक बी का, उसको भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं फिर से एक वीडियो बना के लाऊंगा। तो यार देखो, HCL एक बहुत रेपुटेटेड और अच्छी कंपनी है, इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। अगर ये आप सही से कर लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। और मैंने एलिजिबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो, मैंने बता भी दी है कि क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, आप एलिजिबल हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो आपको जाना है HCLTech.com की वेबसाइट पे, या आप HCLFirstCareers.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां से आप अवर प्रोग्राम पे जाएंगे, वहां पे आप फ्रेशर इंजीनियर ग्रेजुएट प्रोग्राम ये दोनों खोलकर देख सकते हैं। और आपको अप्लाई करना है, तो यहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहां पे आपने क्लिक किया अप्लाई पे, एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ गया। अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको स्टेट सिटी लिखनी है, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, जो भी है वो आप यहाँ पे लिखें, स्ट्रीम लिखें आपकी कौन सी स्ट्रीम है, तो ये स्ट्रीम आप अदर है तो अदर लिख दें। सेलेक्ट प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आप फ्रेशर इंजीनियर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक कर दें। ईयर ऑफ पासिंग अपना डाल दें, आपने कब पास किया है। यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज आपको लिखने हैं ग्रेजुएशन के और 12th के,
उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा फिल करना है जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको टिक करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, आपका रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना है, फिर अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है, आपके मेल पे मिल जाएगी, उसको क्लिक करके वेरीफाई कर लेंगे, फिर आपको फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, फिर आपको अपलोड कर देना है जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसे आपको सबमिट कर देना है। ये था वीडियो आज का, एचसीएल पे यहाँ तक, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।